हेलो एवरीवन, इट्स सेपियंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं जून 2021 को और जून 2022 को लेकर। अपन इसमें लाइफ साइंस में सीएसआईआर ने कितने टोटल जेआरएफ दिए हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स एलएस के लिए दी है, दोनों साल में अपन कंपेयर करेंगे और क्या कुछ डिफरेंस रहा है उसको भी अपन देखने वाले हैं। इसको अपन समराइज़ कर लिया मैंने इस टेबल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जून 2021 में सीएसआईआर जेआरएफ की सीट्स जो है टोटल 927 रही है, जिसमें 54 सीट जो है वो अलग से उसका प्रावधान है वो है। वहीं अगर अपन जून 2022 में देखें, जो हाल फिलहाल रिज़ल्ट अपना रिलीज़ हुआ है, उसमें उसमें ये सीएसआईआर ने जो जेआरएफ प्रोवाइड की है वो है 885। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ जेआरएफ जो है दोनों सालों में 2021 में ज़्यादा है। कुल जो है 42 सीट जो है जेआरएफ के लिए ज़्यादा रही है 2021 में। वहीं अगर अपन बात करें कि यूजीसी ने कितनी जेआरएफ प्रोवाइड की है, तो वो दोनों 2021 में और 2022 में दोनों साल लगभग बराबर क्या, एग्जैक्ट बराबर रही है, जो कि 3300 रही है। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। टोटल जेआरएफ की बात करें तो हम देख चुके हैं कि डिफरेंस पहले ही क्रिएट हो चुका है, उस वजह से 2021 में 42 सीट जो है, 42 सीट्स ऑलरेडी 2021 में ज़्यादा रही है। वहीं अगर अपन बात करें लेक्चरारशिप एलएस की, जो 2021 में 3452 रही है और 2022 में बढ़कर 4036 हो गई है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि जून 2022 में एलएस की सीट्स जो है 2021 के कंपेरिजन में ज़्यादा है, वो भी 584। तो ये टोटल सार रहा है सीट्स का, कितनी एलएस रही है, कितनी जेआरएफ रही है, कितनी जेआरएफ यूजीसी ने प्रोवाइड की है, कितनी सीएसआई ने प्रोवाइड की है। तो लगभग ऑलमोस्ट ये इतना ही रहता है, सिमिलर रहता है, कुछ डिफरेंस आ जाता है। जैसा कि यहाँ एलएस में बड़ा डिफरेंस आया, 584 सीटें ज़्यादा रही है 2022 जून में। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बने रही हैं चैनल पर। थैंक यू सो मच।